हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो सिनकॉम फॉर्मुलेशन में आज जो इसका सर्किट रिवाइज़ हुआ है, अपर सर्किट 5% से 20%, तो उसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त तेज़ी को देखने को मिली है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए, हमने कुछ दिन पहले ही सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में बात की थी। कुछ दिन पहले से हम लोग बात करते आ रहे थे, जब 6 रुपये 7 रुपये के लेवल में ट्रेड कर रहा था। देखिए अभी कितना बढ़िया 9.5 के आसपास पहुंच गया है और एक दिन में बहुत ज़बरदस्त जंप है। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या पॉसिबिलिटी बनती, थोड़ा बात करते हैं इस स्टॉक के बारे में यहाँ पर कि क्या करना चाहिए अब यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले एक डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पज। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्वेस, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लीजिए, अपनी खुद की रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टिंग कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं स्टॉक की तरफ। फ्रेंड्स देखिए, तो ये जो स्टॉक है सिनकॉम फॉर्मुलेशन, ये मैंने आप लोग के लिए 3 रुपये के लेवल के आसपास बहुत बार कवर किया, बहुत ज़्यादा बार कवर किया। उसके बाद फिर जब इसमें रैली आई, फिर ये 6 रुपये, फिर 10 रुपये, करीब करीब 10 रुपये के आसपास पहुँचा। ठीक है, 9 पॉइंट समथिंग के आसपास, और उसके बाद फिर वहाँ जब डिप आया, ठीक है, तो दोबारा इसको मैंने 6 रुपये के आसपास फिर मैंने कवर करना शुरू किया, क्योंकि मुझे पता था ये स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यूड है और ये स्टॉक अभी काफ़ी पोटेंशियल रखता है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि मेरे एक व्यूवर है, उन्होंने मुझसे पूछा कि उनकी 8 रुपये में बाई है, तो उनको यहाँ क्या करना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने हाल फिलहाल में सिनकॉम फॉर्मुलेशंस के ऊपर एक दो वीडियो बनाई है, प्लीज़ अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए। उसमें मैंने इसको कंपैरिजन किया है, सिनकॉम फॉर्मुलेशन को फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स के साथ, और जहां से ये चीज़ निकल के आ रही थी, सिनकॉम फॉर्मुलेशन का जो अभी प्रेजेंट जो बिज़नेस है और जो इसका EPS वगैरह है और जो इसका नेट प्रॉफिट है, तो उसके हिसाब से सिनकॉम फॉर्मुलेशंस का जो रियल वैल्यू है वो 15 रुपये से 18 रुपये के बीच निकल के आता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई ऑपरेटर गेम प्ले नहीं करता है, कोई बड़ा प्लेयर गेम प्ले नहीं करता है, तो ये जो रियल वैल्यू है वो करीब 15 रुपये से 18 रुपये तक आती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, ऑपरेटर डेफिनेटली अपना प्रॉफिट बनाएगा और जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उसको वो हमेशा चीज़ें महंगी खरीदवाएगा और उसको जो बिकवाएगा वो लॉस में बिकवाने की कोशिश करेगा। लेकिन देखिए, जो रियल वैल्यू है वो अल्टीमेटली आनी है, चाहे कुछ हो जाए। अगर बिजनेस सब चीज़ चल रहा है, अगर बाकी स्टॉक्स सेम फैक्टर्स में, अगर बाकी स्टॉक्स अगर किसी रेट पे ट्रेड कर रहे हैं, तो जब वो कंपेयर करते हैं तो वहाँ से समझ में आ जाता है कि जो स्टॉक है उसका असली वैल्यू क्या है। ठीक है, तो जब वहाँ से कंपेयर करते हो, देखिए इसका अगर वैल्यू 15 से 18 रुपए तक आ रहा है, तो यहाँ तो सोचने वाली चीज़ ही नहीं है। बट बस यहाँ पे बस एक जो मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो यहाँ प्ले करता है वो होता है टाइम का। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा अगर आपके पास टाइम है, मुझे लगता है 1 साल 2 साल, तो वहाँ पे ये चीज़ दिख के आनी चाहिए कि इस रेट पे डेफिनेटली पहुँचना चाहिए 15 रुपये से 18 रुपये में। इसके पहले भी पहुँच सकता है अगर यहाँ पे एंट्री होती है, कोई कुछ बड़े प्लेयर्स की एंट्री होती है, या फिर कुछ FIs या DIs की एंट्री होती है, या प्रमोटर्स यहाँ पे अपना स्टेक खरीदते हैं। ठीक है, तो उस समय ये जो चीज़ है ये और जल्दी अचीव हो जाएगी। लेकिन अगर कुछ नहीं भी होता ऐसा, तो भी ये जो चीज़ है अचीव होने के लिए मुझे लगता है 1 या 2 साल का समय रखिए। तो मेरे को लगता है कि अगर आप लोगों ने एक अच्छे लेवल पे बाई किया है, तो इतना टाइम बिल्कुल देना बनता है इस स्टॉक को। ठीक है, क्योंकि देखिए जो इन लोगों का प्लान है, एक्सपेंशन प्लान, अगर उन सब चीज़ों भी कंसीडर करें, तो ये तो मैं अभी के बिज़नेस की बात कर रहा हूँ। जब वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो डेफिनेटली फिर वहाँ से और आपको टारगेट जो है और वो बढ़ जाएगा इसके प्रॉफिट के हिसाब से, फिर वो 25 रुपये 40 रुपये इस तरीके से पहुँच जाएगा। ठीक है, तो जो मेन फैक्टर यहाँ पर जो चीज़ प्ले करेगा, वो प्ले करेगा आप लोग का टाइम देना स्टॉक को। ठीक है, और डेफिनेटली स्टॉक्स को ऐसे टाइम देना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी बहुत है। ठीक है, कंपनी बिजनेस ठीक कर रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, करने दीजिए बिजनेस, सारी चीज़ें हो जाने दीजिए, इसको अपने बिजनेस को अपने पीक पे ले जाने दीजिए। तब तक तो मुझे लगता है बिल्कुल अगर आप लोग इस स्टॉक में बने थे तो उन सब चीज़ों को डेफिनेटली कंसिडर किया होगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म का टारगेट रखिए। अब चलिए बात करते हैं, अब स्टॉक के बारे में आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे पुराने वीडियोस को कंसीडर कीजिए। सिनकॉम फॉर्मेशन के बारे में मैंने पता नहीं शायद 10-15-20 वीडियो बनाए होंगे, बहुत वीडियो बनाए थे नीचे के लेवल में, तो बहुत ज़्यादा बार बनाए थे स्टॉक के बारे में वीडियो। ठीक है, मेरा इवन पहला वीडियो भी सिनकॉम फॉर्मेशन के ऊपर था। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, अब ये जो है, अब हम लोग देखते हैं आज डिलीवरी कैसी उठाएगी। तो डिलीवरी की अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स, तो आज के दिन में बहुत ज़बरदस्त डिलीवरी उठाई गई है। ठीक है, देखिए 1 पॉइंट यहाँ पे देखिए, करीब कितने जो डिलीवरी हुई है वो है
करीब 91 करोड़ के आसपास, करीब 1 करोड़ के आसपास की डिलीवरी आज आज की है। उससे पहले कितनी होती थी? 39 लाख, उससे पहले 25 लाख, उससे पहले 20 लाख। देखिए तो अचानक बहुत ज़बरदस्त जंप आया है। उसमें भी देखिए जो 1.26 अगर ट्रेड हुआ है तो वहाँ पे देखिए 77% की यहाँ पे डिलीवरी उठाई गई है। देखिए फ्रेंड्स, इतनी तगड़ी, इतनी बड़ी डिलीवरी ना, मतलब कोई स्मॉल इन्वेस्टर्स, नॉर्मल इन्वेस्टर आपके और मित्रा नहीं उठा सकता। यहाँ पे डेफिनेटली कोई बड़ा प्लेयर ने यहाँ पे एंट्री ली है, ठीक है। और अगर उसने एंट्री ली है तो देखिए दो चीज़ हो सकता है, या तो वो अभी जैसे सर्किट के वो मज़े लेने के लिए कि जैसे 20% का है तो जैसे 20% को उसको एक दिन में, दो दिन में अगर उसको बढ़िया प्रॉफिट मिल जाए तो वहाँ पे वो एग्ज़िट कर सकता है, एक चीज़ ये हो सकती है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है तो मुझे नहीं लगता अभी कोई इसमें ऐसा कुछ होगा। मुझे लगता है डेफिनेटली टाइम देंगे जो जिसने भी एंट्री की है, ठीक है। और अगर और भी कुछ किसी का इसमें नज़र जा रही स्टॉक के ऊपर तो बहुत अच्छी बात है, कि क्योंकि स्टॉक देखिए ऑलरेडी अंडर वैल्यूड है, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे लगता है अगर इस तरह से कोई बड़ा प्लेयर या फिर कोई बड़ी कंपनी या फिर कोई भी इंटरेस्टेड हैं तो मुझे लगता है फिर वहाँ पे ये स्टॉक एक अच्छे रेट पे हम लोग को जल्दी ट्रेड कर, एक अच्छे रेट पे और अच्छे रेट पे ट्रेड करता हुआ दिख सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो एक बहुत बड़ी वॉल्यूम उठाई गई है और अपर सर्किट लग गया था। सोचिए 20% के नॉर्मली जब बैंड ऐसा शिफ्ट होता है तो उस समय जब एक बार हाई लगता है तो बहुत बार ऐसा देखने का होता है कि बाद में फिर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि उस रेट पे पहुंच जाते हैं जिस रेट से ये लो, इसने एक डिप आना शुरू हुआ था। बट फिर भी इस स्टॉक ने अपना हाई को बना के रखा पूरे थ्रू आउट द डे। जब इसमें अपर सर्किट लगा तो अपर सर्किट बन के लगा रहा, तो ये बहुत पॉजिटिव संकेत है इसके लिए, इस स्टॉक के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी अपर सर्किट का दौर शुरू हो गया, मैं ये नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा आप लोगों को कि देखिए इसकी रियल वैल्यू डेफिनेटली अचीव होगी जो 18 रुपये 20 रुपये है, ठीक है, प्लस 15 रुपये 18 रुपये प्लस। अगर इसके बिज़नेस को इम्प्रूव होने दीजिए, डेफिनेटली 30 रुपये 40 रुपये का भी लेवल आप लोग को देखने को मिलेगा। स्टॉक में बने रहिए, 4-5 साल का टारगेट रखिए, क्योंकि सब चीज़ें होते होते टाइम लगेंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं तो डेफिनेटली आप लोग को यहाँ पे एक बहुत बहुत बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक 3 रुपये के आसपास से यहाँ बहुत टाइम रहा था। हालांकि चलना तो 40 पैसे से स्टार्ट हुआ था, बट उसके बाद इस लेवल पर बहुत टाइम रहा। तो यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जिन्होंने भी बनाई होगी, जिन लोगों ने इसमें बने हुए होंगे, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बने रहें स्टॉक के साथ, ठीक है। और ये जो स्टॉक है मुझे लगता है एक अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न आगे आने वाले कुछ सालों में डेफिनेटली प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। अभी जो हो सकता है, अभी जो सिनारियो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखिए 20% अगर दो दिन में 40% भाग गया ना तो वहाँ डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग होगी, ठीक है। तो प्रॉफिट बुकिंग से आप लोग, अगर आप लोग इन्वेस्टर हैं तो आप लोग को सोचना ही नहीं है, आप लोग बने रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी ये और अच्छे रेट में जाएगा आगे चल के। पर अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए, तो शॉर्ट टर्म में भी अगर आप लोग 40% का प्रॉफिट बुक करना है तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। दो दिन में 40% की प्रॉफिट बुकिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है। पर जो स्टॉक है अंडर वैल्यूड है, तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, चीज़ें आगे इसमें काफ़ी अच्छी हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था, मैंने आप लोगों के लिए जब ये स्टॉक कवर किया था उसके बाद देखिए 3-4 दिनों में कितना बढ़िया ये स्टॉक रॉकेट बन गया। इससे पहले भी मैंने जब 6 पे कवर किया था तो फिर वो 7 के लेवल पे गया था, और फिर मैंने 7 के लेवल पे कवर किया तो 9-10 के लेवल पे। तो मुझे तो मतलब बहुत खुशी, क्योंकि एक इस स्टॉक में बहुत पहले से कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है काफ़ी सारे मेरे ऐसे भी व्यूवर्स होंगे जो जिसने वीडियो देखने के बाद भी पोजीशन बनाई होगी, हालांकि बहुत लोगों ने पहले से पोजीशन बना के रखी होगी, पर काफ़ी व्यूवर्स ऐसे भी होंगे, तो मुझे उनके लिए खुशी है। इवन मेरा खुद का भी, मैंने भी बहुत नीचे के लेवल पर इस पर पोजीशन बनाई थी, तो चलिए अच्छी बात है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बस बने रहिएगा और सब अच्छा हो, सबके लिए अच्छा हो, सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह से स्टॉक्स के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छी चीज़ें हम लोग रेगुलरली डिस्कस कर सके और एक अच्छा डिसीजन लेने में, और सब सब लोग फलें फूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।